Hey guys, welcome to Olive Board SSC and RRB Express. Okay, so again a very important session on Parajumbos. ठीक है, टाइमिंग आपका 4:30 है और कल से आपका SSC विजय कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, 4 PM से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, रजनीश गौतम इज देयर, जैक्स पेरो, हिमांशु वर्मा, पराग, ओके, क्षितिज, ओके, गुड आफ्टरनून. ठीक है, सब लोग आ गए यहाँ पे. ओके, वेरी गुड. ये तो सब रेगुलर है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज कि सब लोग ऐसे ही टाइम पे आ जाते हैं. रजनीश, जैक, वेरी गुड. ठीक है, तो फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गाइस. ठीक है, ओके, पैराजम्बल के आई थिंक 10-11 क्वेश्चंस होंगे. फिर हम लोग लास्ट में वोकैब डिस्कस करेंगे, जो हम लोग वोकैब कंटिन्यू कर रहे थे. ठीक है, तो गेट सेट गो. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कशन करना. ठीक है, ओके, तो चलिए. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए. निर्जय इज देयर. ओके निर्जय, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वोकैब शो आई विल इंक्लूड इडियम्स एंड फ्रेजेस, डोंट वरी. ठीक है, सुशील कुमार इज देयर, गुड इवनिंग. बाकी लोग फटाफट जुड़ जाइए. और 8:30 AM वोकैब शो गाइस, ऑलिव बोर्ड मेन चैनल में. तो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दैट सेशन, 8:30 AM. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे. सो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते चलिए. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन क्यू क्यू क्यू. ठीक है, ABC में सब सब में क्यू है. तो ऑब्वियसली यही लगता है कि एस से ही, क्यू से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, स्टेटमेंट मतलब पूरा पैराग्राफ. अगर मैं क्यू को पढ़ू, देयर वेर मेनी आर्टिस्ट ओके इन वेरोना. सो दिस अ प्लेस व्हेन पाओलो वाज अ बॉय. ओके, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो एक सेंटेंस क्या छोड़ता है, इट यू कैन से इट लीव्स अ ट्रेल फॉर द सेकेंड सेंटेंस टू स्टार्ट. ठीक है, सब बोल रहे क्यू आर एस पी. ओके, सो देयर वेर मेनी आर्टिस्ट इन वेरोना व्हेन पाओलो वाज अ बॉय. तो ये फर्स्ट सेंटेंस है. आप देखो पाओलो के बारे में कुछ बोला है कि नहीं, या फिर वेरोना के बारे में. सो ऑब्वियसली इन आर सेंटेंस यू विल फाइंड समथिंग अबाउट पाओलो हैज बीन सेड, कि उसका खुद का मतलब फादर स्कल्प्टर है. ठीक है, अंकल क्या है, फेमस पेंटर है. तो बिकॉज हिज फादर इज अ स्कल्प्टर एंड फेमस पेंटर हिज अंकल. ठीक है, सो जो बच्चा है डेट मीन्स पाओलो, उसको काफी बचपन से काफी एनकरेज किया गया कि आप कुछ करो. ठीक है, कि या तो ये स्कल्पचर वाला वो करो या फिर पेंटर वाले काम करो. ठीक है, जो भी है मतलब. तो उसने पहले उसने दिखाया. ठीक है, एज सून एज ही शोड दैट हियर टैलेंट फॉर पेंटिंग. जैसे ही पेंटिंग के मतलब उससे रिलेटेड उसका टैलेंट है, तो ऑब्वियसली उसको अंकल के पास भेज दिया गया, ना कि मतलब पापा के पास. पापा के पास तो रहेगा हमेशा. सो करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने. ठीक है, ए इज द राइट आंसर, क्यू आर एस पी इज द राइट आंसर. ठीक है, देयर आर मेनी आर्टिस्ट इन वेरोना, इट लीव्स अ ट्रेल, समथिंग इज सेड अबाउट द बॉय. ठीक है, पापा भी स्कल्प्टर है, अंकल भी मतलब पेंटर है. तो बिकॉज ऑफ दैट ही बिगेन टू शो इंटरेस्ट इन हिज वर्क. ठीक है, एंड टैलेंट पता लगा पेंटिंग का, तो अंकल के पास भेज दिया. ठीक है, प्यालीसा, गुड आफ्टरनून. ठीक है, राकेश कुमार स्वैन, वेरी गुड. क्यूअर एस पी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. सो दिस इज द क्वेश्चन. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस. ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लॉजिकली करो. प्रतीक्षा, यस, राइट प्रतीक्षा, इसको भी लॉजिकली आप सॉल्व करने की कोशिश करो. कहीं पे तो आपको इंट्रोडक्टरी लाइन आपको पता लग गया है. ठीक है, एस से ही होगा, है ना. तो अभी फाइंड आउट करो. देयर वाज वंस अ चाइल्ड एंड ही स्टॉल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉल? स्टॉल का मीनिंग होता है वॉक करना. ठीक है, एम्बल करना, एम्बल, AMBLE. ठीक है, धीरे धीरे चलना, दैट इज कॉल्ड स्टॉल करना. ठीक है, स्ट्राइड लेना, और यू कैन से एम्बल करना. ओके, SRQP बोल रहे लोग, SRQP, वेरी गुड. ठीक है, इसको हम लोग देखो, मैंने जो बोला था ना, इट लीव्स अ ट्रेल. ओके, देयर वाज वंस अ चाइल्ड एंड ही स्टॉल्ड एंड ही वॉक्ड अबाउट अ गुड डील. काफी चलता था वो, और जब चलता था तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आते थे. ठीक है, एंड थॉट ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, एंड उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू किया. इस चाइल्ड के बारे में हम लोगों ने आगे सेंटेंस बोला कि उसका एक सिस्टर भी है. ठीक है, वॉज अ चाइल्ड टू. ओके, एंड इज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. तो इफ यू सी हियर, एस एंड आर विल फॉर्म अ पेयर. ठीक है, पेयर करना भी आपको जरूरी है. ठीक है, आपको पेयरिंग करना आना चाहिए आपको. ठीक है, सेंटेंस में तो नो, ए इज नॉट द आंसर, पूरा उल्टा चलेगा ये. ठीक है, तो ये चाइल्ड है. थोड़ा सा चाइल्ड के बारे में बता दिया कि उसकी एक सिस्टर भी है. ठीक है, हु वाज अ चाइल्ड टू एंड हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, मतलब जहां भी ये चलता था, कुछ करता था, ये उसका मतलब साथ देती थी. ठीक है, सिस्टर. कैन यू सी, ये डिस टू यूज टू वंडर ऑल डे लॉन्ग. ठीक है, वंडर, और यहां पे आपको दिख रहा है दे वंडर्ड. तो बताया गया कि डिस टू यूज टू वंडर. ठीक है, ऑल डे लॉन्ग एंड दे वंडर्ड, सोचते थे काफी, सोच के दे गॉट सरप्राइज. वंडर का मीनिंग क्या होता है? ओके, सो एसर विल फॉर्म अ पेयर, एंड इफ यू सी हियर, क्यूपी विल फॉर्म अ पेयर. दैट्स व्हाई द आंसर इज व्हाट, एसर क्यूपी. ठीक है, क्लियर है सबको? किसी ने भी अगर ए बोला है, इज इट क्लियर टू यू? प्याली एंड पराग, इज इट क्लियर टू यू? एस आर विल फॉर्म अ पेयर, अगेन क्यूपी विल फॉर्म अ पेयर. ठीक है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज व्हाट, एसर क्यूपी. क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दिस क्वेश्चन इज गुड. Try to answer this question. They came by the millions. Okay. Some arrived on overcrowded trains carrying 5 times their normal capacity. इस question को करें.
ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, एंड इफ somebody इज new टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन. ठीक है, एम श्रीकांत पीक्यूआरएस, सिद्धिजी सिंह पीक्यूआरएस, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, पीक्यूआरएस ही होगा तो देखेंगे हम लोग इसको दे. ठीक है, पी और एस, एस द रीच ऑफ द फेमस चार्टर्ड. ओके, प्राइवेट प्लेन्स. अब देखो अगर अराइव्ड केम, ठीक है, चार्टर्ड, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे क्यूआरएस एक साथ आएंगे, क्यूआरएस एक साथ आएंगे, फिर आरक्यूएस एक साथ आएंगे, फिर एसआरक्यू, दिस थ्री विल कम टुगेदर. इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, तो दिस थ्री विल कम टुगेदर. अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, मैं ठीक है इसको मैं सॉल्व करने जाऊं, क्या आपको दिख रहा है, दे केम बाय द मिलियंस, तो इस सेंटेंस को आप अलग से कर दो, दे केम एकदम बहुत अच्छे से ट्रेल छोड़ेगा, देखना आप यहां पे, दे केम बाय द मिलियंस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलियंस, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग आए थे, इसका ट्रेस, इसका जो ट्रेस कहां पे मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा, सम केम बाय द बस, ओके चार्टर्ड, इससे तो पता नहीं लग रहा है, इस मिलियंस का, इस मिलियंस से रिलेटेड जो ट्रेल छोड़ा है यहां पे, सम अराइव्ड इन ओवर क्राउडेड ट्रेन कैरिंग 5 times द नॉर्मल केयर, आपको इससे पता लग रहा है कि दे केम बाय मिलियंस. तो अगर आप देखोगे पी क्यू विल फॉर्म ए पेयर और क्यू को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, बिकॉज यहां पे सम लिखा हुआ है, सम अराइव्ड इन ओवरक्राउडेड ट्रेन्स, तो उसी को कंटिन्यू करना है, सम केम बाय बस, कुछ लोग ट्रेन में आए, कुछ लोग बस से आए, कार से आए, तो कैन यू सी पी, पी के बाद क्यू फॉलो होगा एंड क्यू आर विल फॉर्म अ पेयर और लास्ट में हम लोग एस को रखेंगे, दैट मीन्स व्हाट पी क्यू आर, दैट इज ए इज द राइट आंसर. ठीक है, किरण कुमार, यस वेरी गुड, डायर लगा रहे हो आप, ठीक है. निर्जा, इज इट क्लियर टू यू? राकेश कुमार स्वैन, पी क्यू आर एस इज द राइट आंसर. ठीक है, पी क्यू आर एस इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो अगर आप पहले आपको ये जो एक्सक्लेमेशन है ना, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा आपको, देखो मतलब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, अगर फुल स्टॉप होता तो सिंपल होता कि दे केम बाय द, बस स्टेटमेंट मेंशन किया है, लेकिन यहां पे कोई ऐसा कुछ मतलब रिवील कर रहा है कि देखो बहुत सारे लोग आए, ऐसा देयर इज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दे केम बाय द मिलियंस, ओवरक्राउडेड. ठीक है, ये सम को ही आगे कंटिन्यू करेगा सम, और फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे द रिच एंड फेमस सर्टेन प्राइवेट प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स वर द लेस एफ्लुएंट. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज पी क्यू आर एस. आगे बढ़ेंगे, सबको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सुभजीत, नाइस वन, नाइस वन. अच्छा, किरण कुमार के लिए क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, ये भी बहुत मतलब हियर यू विल फाइंड अ ट्राइड, बेसिकली बहुत अच्छे से मतलब यू विल फाइंड अ ट्राइड. ठीक है, यू विल फाइंड अ ट्राइड, ट्राइड मतलब क्या होता है, तीन सेंटेंस एक साथ आएंगे ऐसे ही. ओके, चलिए, ठीक है, डी क्यू आर एस पी. ओके, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, देवर्षी बी, वेर 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 देवर्षी, ठीक है, बहुत दिनों बाद आ रहे हो आप. ठीक है, बी क्यू एस पी आर. चलो, मैंने जो बोला था ना ट्राइड, अब ट्राइड फॉर्म करके दिखाता हूं मैं आपको ट्राइड कैसे. ठीक है, बट हिस्ट्री हैज बीन हैज ऑल्सो, पहला सेंटेंस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री टेल्स अ टेल दैट अल्टीमेटली मे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट सपोर्ट फॉर लाइफ. ठीक है, ओके, नॉट एस आर पी क्यू इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, क्यू से स्टार्ट होगा. अगर आप देखोगे आर एस पी विल फॉर्म ए परफेक्ट ट्राइड, क्योंकि यहां पे देखो, बट हिस्ट्री हैज ऑल्सो बीन डिस्टॉर्टेड. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्टेड, मतलब डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या है, इसका, इसके फैक्ट्स चेंज किए गए. ठीक है, इसके फैक्ट्स में मैनिपुलेशन किया गया, फिर चेंजेस किए गए, कैसे. अब ये डिस्टॉर्शन का ही तो एक एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज दिस डिस्टॉर्शन वी आर टॉकिंग ऑफ. कैसे, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द कॉमन नॉलेज, जो एक कॉमन नॉलेज है सबको कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, लेकिन ठीक है ये बोला कि ये डिस्टॉर्टेड है, क्यों, उसका रीजन भी आगे दिया हुआ है कि सम पीपल से ही डिड नॉट नॉर वेयर एनी अदर यूरोपियन द फर्स्ट टू टच अमेरिका शोर्स. ठीक है, ठीक है, तो ये है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड बोला यहां पे, उसका एक एग्जाम्पल दिया कि कोलंबस डिस्कवर, जो अमेरिका, जो एक मतलब धारणा है हमारा, बिलीफ है, तो दैट इज बिकॉज पीपल डाउट. ओके, ही डिड नॉट नॉर वेयर एनी अदर यूरोपियंस द फर्स्ट टू टच अमेरिका शोर्स. तो यू कैन सी हियर क्यू विल स्टार्ट द सेंटेंस द पैराग्राफ एंड आर एस पी विल फॉर्म अ परफेक्ट पेयर, दैट्स व्हाई क्यू आर एस पी इज द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, डी, क्षितिज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, हिमांशु, ओके ओके ओके, ठीक है सर, क्लियर है सबको, सबने बहुत सही आंसर दिया है. किरण कुमार, वेरी गुड, ठीक है, आप वेरी हैप्पी गए. ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ऑल इंडिया लाइव सेबी बैटल. ठीक है, कोई अगर इफ somebody इज प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, तो उनके लिए पेपर टू जो है, ठीक है, टेक्निकल जो पेपर है, मतलब सेबी से रिलेटेड, ठीक है पूरा, एंड
तो आप इस लाइव फ्री लाइव मॉक टेस्ट से तो डू अटेंड दिस यू कैन से दिस मॉक टेस्ट. अगर आप यू कैन क्लेम 100% यू कैन से स्कॉलरशिप ऑल्सो. ओके इफ यू बिकम द टॉपर ठीक है. टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए 11 AM to 6 PM आपको इस टाइम के दौरान आपको देना है इस एग्जाम को. संडे है 26 अप्रैल. ओके एग्जाम डेट अगर आप टॉप करते हो तो एंटायर कोर्स फीस फ्री फॉर यू. अगर आपका रैंक 2 से 5 में आता है तो 50% ऑफ एंड बाकी कोई भी कट ऑफ क्लियर करता है तो उसके लिए 20% ऑफ है ठीक है. सो दिस संडे 26 अप्रैल 11 AM to 6 PM डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दिस लाइव टेस्ट. इसके लिए आपको ऑलिव बोर्ड जो मॉक जो ऐप है आप उसमें आप अपियर कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट भी आप डाउनलोड मतलब वेबसाइट पे भी जाके आप कर सकते हो ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके व्हाट मेड ऑल दोस पीपल फॉलो द ऑर्डर्स दे वर गिवन. सो ये सेंटेंस है मतलब सेंटेंस आप इनको बहुत बढ़िया से आप अरेंज करिए. आपको मैं हिंट देता हूं यहाँ पे दो पेयर्स बनेंगे. ओके देयर यू जस्ट ट्राई टू फॉर्म पेयर्स. ओके यहां पे भी आपको दो पेयर मिलेंगे. आपको बहुत अच्छे से आपको पेयर फॉर्म करना है यहां पे. ओके या ट्राई टू फॉर्म पेयर्स हियर. ओके RSQP. ओके सो एक तो प्योर एक पेयर आपको दिखेगा यहां पे. एक्चुअली में आप पहला पेयर फॉर्म करोगे देन यू विल बी एबल टू इजीली आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है. वी हियर और कम अक्रॉस कमांड्स इंस्ट्रक्शंस ओके डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स एवरीडे ठीक है. हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग कमांड ठीक है इंस्ट्रक्शन मिलता है हमें ठीक है. कमांड घर पे पेरेंट्स कभी कभार कमांड करते हैं. डायरेक्शंस मिलता है हमें ऑर्डर मिलता है कभी कभार ठीक है. लेकिन व्हाट इज दैट मेक्स अस ओबे और डिसओबे देम. ये डिसओबे देम क्या है बेसिकली. ये देम कुछ और नहीं है. देम आर दीज कमांड्स इंस्ट्रक्शंस और यू कैन से डायरेक्शंस ऑर्डर्स ठीक है. तो इफ विल सी हियर आर एंड एस विल फॉर्म अ पेयर ठीक है. और इसी चीज को एक एग्जांपल दिया गया है. ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग जो ऑबे करते हैं कमांड इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस ऑर्डर्स एवरीडे तो इसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है. कैसे अगर आप देखोगे मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन नाजी जर्मनी इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बट हिटलर कुड नॉट हैव. हिटलर अकेले तो इतने लोगों को नहीं मार सकता था ना. तो उसने क्या किया होगा कुछ लोगों को उसने कमांड इंस्ट्रक्शन दिया होगा ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड ऑल दोस पीपल फॉलो द ऑर्डर्स या फिर कमांड इंस्ट्रक्शन दैट दे वर गिवन. ओके व्हाट मेड ऑल दोस पीपल फॉलो द ऑर्डर्स. So can you see here RS will set the tone, then again Q and P will form a pair, ठीक है? R and S will form a pair, और इसी चीज को actually मैं example दिया है Q में, और last में एक question पूछा गया कि क्या ऐसा reason था कि सब लोगों ने ये सारे orders मतलब उन लोगों ने माने थे, ठीक है? Okay? Follow किया था उन लोगों ने, इतने मतलब बुरे instructions थे, right? Because millions of people were killed. Okay, so the correct answer here is what A is the right answer. सबने सही answer किया. हिमांशु, शुभजीत, श्रीकांत, जैक स्पैरो, राकेश, पराग, निर्जा, रिंकू, देवर्षी. वेरी गुड ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल. रिसर्चर हैव फाउंड दैट स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंट रेसेस कल्चर और एथनिक ग्रुप्स. हाउएवर वी शैल टेक देम टू मीन रफली द सेम थिंग एट द मोमेंट. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजिली. द टर्म्स रेस कल्चर एथनिक ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स. इस पे भी आप अगर एक कैन यू फॉर्म ए ट्राइड ईयर. अगर आप बढ़िया से एक ट्राइड फॉर्म करोगे ना इजिली आपका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है. In most of the question with the help of options, I think you can easily do these questions. ठीक है? थोड़ा सा सोचिए. PSQR बोल रहे हैं. Okay. PSQR सब लोग क्या बोले PSQR. Yes. Very good. तो P से standards क्योंकि देखो और Q से तो start नहीं. However जैसे ही बोला है that means कुछ आगे कुछ mention किया गया होगा. ऑलमोस्ट तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस ठीक है. अगर मैं जिस ट्राइड की बात कर रहा था ना कैन यू गिव मी द ट्राइड हियर. ओके कैन यू सी द टर्म्स रेस कल्चर एंड एथनिक ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट. ये इन सब के डिफरेंट मीनिंग्स है लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे वी शैल टेक देम टू मीन रफली द सेम थिंग. दैट मीन्स जो कल्चर रेस एथनिक ग्रुप से इसको हम लोग एक ही चीज मानेंगे राइट फ्रॉम दिस मोमेंट एट द मोमेंट एंड वही हमको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजिली ठीक है. सो अगर आप देखोगे यहां पे तो एस Q and R will form a triad, ठीक है? तो बस आप देख लो आप SQR, PSQR, that means B is the right answer, okay? Very good, सबने सही answer दिया, मतलब सब लोग सबका मुझे लगता है PQRS is not the right answer. Shitij, is it clear to you? Shitij, ठीक है? PQRS रही नहीं हुआ, SQR. The terms race, culture and ethnic groups have different meanings, लेकिन हम लोग क्या करेंगे?
इस मोमेंट से हम लोग रेस कल्चर एथनिक ग्रुप्स को हम लोग एक जैसा मानेंगे, ठीक है। क्यों, उससे क्या होगा, तब हमें ये अंडरस्टैंड जो कॉन्सेप्ट जो है हमें उसको अंडरस्टैंड करने हमें काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो एसक्यूएल फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिंकू प्रैक्टिस कर लो यार, The only thing it could not bear was the hoot of the ship's siren. Jack took his parrot up to the deck, much to the amazement of all the passengers. The bird had a wonderful time showing off. It startled the bird so much that it fell off Jack's shoulder every time it heard it. ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओके, बी QRPS, QRPS, ठीक है। QRPS, सब लोग QRSP बोल रहे हैं, रजनीश गौतम QRSP तो ऑप्शन में नहीं है, तो चलो, तो यही पे दिस विल द ओनली थिंग, ओके, इट कुड नॉट, ये इट क्या है पता नहीं, द बर्ड आई डोंट नो, ओके, इट पता नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले, ठीक है, तो जैक यहाँ पे है और पैरट, तो हमें पता लग गया, तो फ्रॉम की क्यू द सेंटेंस विल स्टार्ट, द बर्ड टू किस पैरट अप टू द डेक मस्ट टू द अमेजमेंट ऑफ ऑल द पैसेंजर। डेक मतलब क्या होगा, कोई ship का डेक बेसिकली, ठीक है। अगर आप देखोगे क्यू के बाद कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलू यहाँ पे दो, आप आराम से आप पेयर फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। द ऑनली थिंग इट कुड नॉट बियर, दैट मीन्स इट यहाँ पे क्या है, बर्ड है, जो बर्ड है एक ही चीज वो मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता था, दैट इज द हूट ऑफ द शिप सायरन, जब भी सायरन बजता था तो उसे इट फेल इवन से अनकंफर्टेबल, ओके, इट स्टार्टल, ठीक है, इट सरप्राइज द बर्ड सो मच दैट इट फेल ऑफ जैक शोल्डर एवरी टाइम इट हर्ड इट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड पी एन एस विल फॉर्म अ पेयर, तो बस आर बचा है उसको यहां पे लगा दो, ओके, मतलब इट टू गिव्स पैरेट अप टू डेक, सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, क्यू आर पी एस इज द राइट आंसर, दैट मींस व्हाट, बी इज द राइट आंसर, ओके, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इस क्वेश्चन को आप पेयर्स बना के सॉल्व करना है, ट्राई टू फॉर्म पेयर एंड देन ट्राई टू आंसर, यस उत्सव, वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करें फटाफट, SQRP, ओके, अभी आप यहां पे देखो, कुछ कुछ यहां पे ही सॉ द मैन, मैं आपको कुछ यहां पे कैन यू फॉर्म अ पेयर, अगर मैं थोड़ा सा यहां पे हाईलाइट कर दूं, यहां पे ही सॉ द मैन लुक बैक, पीछे देखा होगा, ठीक है, नो बॉय टू बी सीन, ठीक है, इसको मैंने क्लब कर दिया, द मैन वेंट स्लोली ही केम टू ए स्टॉप एट लास्ट, क्या आपको मिल रहा है आपको एक चीज यहां पे, ओके, देखो ही सॉ द मैन लुक बैक As if to see if Ben was anywhere near, okay? उसने इस person को देखा, क्या देखा कि ये जो person है, he looked back, उसने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा, क्यों देखा उसने, क्या पता Ben आसपास है कि नहीं, okay? तो next sentence में क्या होना चाहिए, इसका result निकलना चाहिए, जो ये person जो पीछे मुड़ के देखा है कि Ben आसपास है कि नहीं, तो उसका उसको result मिलना चाहिए, या तो result में क्या मिलेगा, तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, तो यहां पे क्या बोला गया, बट देयर वॉज नो बॉय टू बी सीन, ऑफ कोर्स दैट मीन जो बेन है यहां पे नो बॉय, तो आप देखोगे पी के बाद आर फॉलो होगा, उसका रिजल्ट आर में मेंशन किया हुआ है, तो अगर देयर वॉज नो बॉय टू बी सीन, ऑफ कोर्स तो बेन ने क्या किया, ही वेंट स्लोली ऑन हिज वे, ठीक है, वो चलता गया स्लोली स्लोली, ठीक है, लुकिंग इन टू द वॉटर एज ही वेंट, और जाते जाते ही केम टू अ स्टॉप एट लास्ट, तो अब देखो पी आर विल फॉर्म ए पेयर एंड एस की विल फॉर्म ए पेयर, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, बी इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, यस, इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट, क्षितिज, नो नो, एस से इंट्रोड्यूस नहीं होगा यार, ओके, एस से इंट्रो नहीं होगा, ठीक है, पी आर एस क्यू इज राइट आंसर, फॉर्म इट विल फॉर्म अ पेयर बेसिकली, ठीक है, ओके, ही सॉ द मैन लुक बैक एज इफ टू सी बेन वॉज एनीवेयर नियर, जब उसने देखा
तो उसने क्या देखा कि कोई बॉय है ही नहीं, देर वॉज नो बॉय टू बी सीन ऑफकोर्स, ठीक है, तो पी आर विल फॉर्म अ पेयर, ठीक है, और जब उसको नहीं दिखा देन द मैन वेंट स्लोली ऑन हिज वे लुकिंग टू द वॉटर एज ई वेंट, ओके, जब चलते गया बाद में ही केम टू ए स्टॉप एट लास्ट, ओके, सो पी आर एस क्यू, द करेक्ट आंसर इज बी. क्षितिज, ओके, अभी क्लियर हुआ? अभी जैसे मैंने मैंने आपको बोला, अभी ये पूरा इवेंट है, ये पूरा इवेंट है बेसिकली, ओके, इवेंट है पूरा. क्षितिज, इज इट क्लियर टू यू? ही सॉ द मैन, ही सॉ द मैन, ये कोई थर्ड पर्सन है, उसने इस पर्सन को देखा कि बेन आसपास है कि नहीं, ठीक है, इसने उस मैन को देखा, मतलब इस मैन ने मुड़के देखा, वही इस पर्सन ने देखा कि बेन है कि नहीं, बेन है कि नहीं, तो बट देयर वाज नो बॉय टू बी सीन ऑफकोर्स, ठीक है, क्लियर है. फिर उसके बाद वो पर्सन चलता गया और जाते जाते ही केम टू स्टॉप एट लास्ट, दैट मीन्स व्हाट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, दिस क्वेश्चन अगेन, वुड दे लुक इन टू दिस वन एंड फाइंड देम, इट सीम टू बी एज इफ दे आर लुकिंग इन द रूइन बिल्डिंग्स टू फाइंड समथिंग, ओके, दिस विल अगेन फॉर्म अ पेयर, दो मतलब क्लब करो, ठीक है, एसआर लोग बोल रहे हैं, एसआर क्यूपी, ओके, ये सबको क्लियर है, सबको, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, आप लोगों ने सही किया. यहाँ पे टू डार्क फिगर्स केम अप द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट में आए और यही जो डार्क फिगर्स है, ठीक है, दे स्टॉप एवरी नाउ एंड अगेन. अब जो बिल है उसको लगा कि ये इफ दे वर लुकिंग इन द रूइन बिल्डिंग्स, दिस टू फिगर, दिस टू डार्क फिगर्स, दे वर लुकिंग इन द रूइन बिल्डिंग्स टू फाइंड समथिंग. फिर क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि इन लोग इसमें रुकेंगे, इस रूइन बिल्डिंग में रुकेंगे कि अगले वाले में रुकेंगे, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, एसआरक्यूपी इज द राइट आंसर. किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट, इज द राइट आंसर. सुशील, श्रवण, ठीक है, किरण, सब लोग बता दो मेरे को, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत भी किया है, ठीक है, एसआरपीक्यू नहीं होगा, ठीक है. पहले देखो, टू डार्क फिगर्स केम अप द स्ट्रीट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एसआर में, ठीक है, एसआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो बिल कोई थर्ड पर्सन है, उसने क्या देखा कि ये जो ये देखो, दे स्टॉप एवरी नाउ एंड अगेन, ये जो स्टॉप कर रहे हैं एवरी नाउ एंड अगेन, क्यों कर रहे हैं, क्यों, दे वर लुकिंग इन द रूइन बिल्डिंग्स, ठीक है, यही तो कर रहे हैं, अभी थोड़ा जा रहे फिर रुक रहे, इस बिल्डिंग में देख रहे, उस बिल्डिंग में रुक रहे, ठीक है, तो अभी बिल के दिमाग में यह है कि अभी ये इस बिल्डिंग में रुकेंगे कि अगले वाले में रुकेंगे, ओके, ये जो दिस है यहां पे, ये दिस अगर मैं आपको बोलूं पहले, ओके, वुड दे लुक इन टू दिस, अब ये दिस क्या, अगर आप P को पहले रखोगे Q के पहले, तो ये तो दिस तो डिफाइन नहीं है, दिस वन और दैट वन, ठीक है, दिस वन यहां पे क्या है, रूइन बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज द रूइन बिल्डिंग, ठीक है, तो इसलिए SR देन QP, ठीक है, P आएगा Q के बाद, क्लियर है सबको, क्लियर है ना, चलिए यस, इसको फटाफट कर दीजिए, वेरी सिंपल, फटाफट कर दीजिए, गॉट इट राइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैराजंबल, और बाकी आप, बाकी हम लोग क्विज करेंगे भी, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट इसको कर लेते हैं, सी पी क्यू आर एस, वेरी गुड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, पी क्यू आर एस, ठीक है. दैट डे एंड द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट टू गर्ल्स, द टू गर्ल्स स्पेंट इन एक्सप्लोरिंग देयर हॉलीडे होम, ठीक है, और इट वॉज, जो हॉलीडे होम है वो काफी छोटा प्लेस था, ओके, जस्ट बिग इनफ फॉर देम, अंदर गए उन लोग तो उनको क्या मिला, देयर वॉज अ लार्ज ओल्ड फैशन किचन एंड टाइनी पार्लर, ठीक है, ये नीचे था, अब ऊपर बोला उन लोगों ने, अबव वेयर थ्री स्मॉल बेडरूम्स, ठीक है, सो पी क्यू आर एस इज द राइट आंसर, सबने सही किया, वेरी गुड, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो चलिए नाउ इट इज द टाइम फॉर वोकैब टाइम, ठीक है, अगेन हम लोग बी का सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट तीन मिनट के अंदर सारे हो जाने चाहिए. बेनफुल, बेनफुल इज व्हाट, बेन मतलब क्या होता है, बेन मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, बेन कर्स, तो बेन अगर बेनफुल अगर होगा तो कर्स अगर होगा तो दैट मीन्स ऑब्वियसली समथिंग विल बी हार्मफुल, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा आपका एफ, ओके, फर्स्ट का आंसर इज व्हाट, एफ. What is the meaning of beleaguer?
ओके, बिलीगर मतलब होता है किसी को सराउंड करना, बेसिकली बीसीज भी इसका श्रेणी होगा, बीसीज सराउंड करना, ठीक है। जैसे कि आर्मी सपोज कहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे, और उनको चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग बिलीगर करना, ठीक है। तो एक तो हो गया, और जब आपको घेर लिया जाएगा तब आप कैसा फील करोगे, यू विल फील एनॉयड, ठीक है, आप कैसा फील करोगे, यू विल फील बैजर्ड, यू कैन से, और यू कैन से, क्या वर्ड था यार वो पी से जो मीन करता है पेस्टर्ड, ठीक है, आप पेस्टर फील करोगे आप, ठीक है। सो सेकंड का आंसर इज ई, ओके। बिम्यूज का आंसर, बिम्यूज का मीनिंग अम्यूज नहीं होता, बिम्यूज इज समथिंग व्हेन यू गेट व्हाट कंफ्यूज, व्हेन यू गेट परप्लेक्स, सॉरी, और व्हेन यू गेट कंफ्यूज परप्लेक्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड का आंसर इज डी, ठीक है। फोर्थ बिनाइन इज वेरी सिंपल, बिनाइन का मीनिंग क्या होता है, हार्मलेस, ठीक है, हार्मलेस, वेरी सिंपल, सी इज द राइट आंसर। अब बेक्वेथ का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेक्वेथ, ठीक है, बेक्वेथ का मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी, सपोज आपके पापा आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, दैट इज कॉल्ड बेक्वेथ करना, ठीक है, पास ऑन करना, बेसिकली पास ऑन, प्रॉपर्टी बाय विल, ठीक है, विल, ठीक है, पास ऑन करना बेसिकली प्रॉपर्टी अपना, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइथ, ब्लाइथ का मीनिंग होता है केयर फ्री, ठीक है, कोई मतलब परवाह है नहीं, ठीक है, एकदम केयर फ्री है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइथ। सो बेक्वेथ का आंसर इज व्हाट, टू पास ऑन। फिफ्थ का आंसर इज बी, ब्लाइथ का मीनिंग क्या होता है आपका, केयर फ्री एकदम, ठीक है, जी इज द राइट आंसर। ब्रोच का मीनिंग क्या होता है, कोई भी टॉपिक को रेज करना डिस्कशन के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोच, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए इज द राइट, सेवंथ का आंसर इज ए, ठीक है, सिक्स्थ का जी, वेरी गुड, क्लियर है सबको, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते सबको, बेनफुल इज व्हाट, बेनफुल इज हार्मफुल, ठीक है, बेनफुल इज हार्मफुल, बिलीगर इज टू सराउंड और यू कैन से बिसीज, बैजर करना, एनॉय करना, पेस्टर करना, वेक्स करना, इरिटेट करना, ई, बिम्यूज इज व्हाट, परप्लेक्स, कंफ्यूज, सो डी इज द राइट आंसर, बिनाइन इज व्हाट, हार्मलेस, बेक्वेथ मतलब क्या होता है कि टू पास ऑन करना प्रॉपर्टी को, ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बेक्वेथ, ब्लाइथ मतलब होता है एकदम केयर फ्री, ठीक है, ब्रोच मतलब होता है किसी टॉपिक को डिस्कशन के लिए रेज करना, दैट इज कॉल, यू कैन से टू ओपन ए सब्जेक्ट, ओपन ए टॉपिक फॉर डिस्कशन, दैट इज कॉल ब्रोच, ओके। सो सेवेंथ का आंसर इज ए, क्लियर है सबको, ओके, चलिए गाइस, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द सेशन, फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून टू ऑलिव बोर्ड, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और वीडियोस को शेयर करेंगे, एंड टुमारो गाइस 8:30 AM वोकैब जो शो होता है उस पर भी आप अटेंड करिए, उसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं लेता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो उससे आपका वोकैबुलरी काफी इंप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और सिनोनिम ऑफ बेक्वेथ, पास ऑन करना बेसिकली, ठीक है, और थोड़ा बहुत इनहेरिट करना, इनहेरिट तो जो पर्सन होता है वो इनहेरिट करता है, ठीक है, बेक्वेथ मतलब अगर मैं, अगर इफ आई एम द पर्सन, ठीक है, इफ आई एम द फादर, तो मैं बेक्वेथ करूंगा तो मेरे बेटे को मिलेगा, तो इनहेरिट तो मेरा बेटा करेगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं देख के आपको बता दूंगा, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है, बाय बाय।